हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन फॉर्म का करेक्शन करना सीखेंगे, क्योंकि फाइनली DDU ने करेक्शन फॉर्म रिलीज कर दिया है 2021-22 सेशन का। और आज का वीडियो इसी टॉपिक के बारे में होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको DDU के ऑफिशियल साइट पर आना होगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में सर्च करेंगे DDU.GU.AC.IN। सर्च करने के बाद जो आपके सामने साइट ओपन होकर आएगा, यही DDU का ऑफिशियल साइट है। उसके बाद क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन कैंपस का एक आइकन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन कैंपस का एक आइकन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पर एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको 11वां ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म करेक्शन UG फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2021-22। तो यहाँ पर देख सकते हैं करेक्शन फॉर्म आ चुका है UG फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर कोर्स का यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है उसका करेक्शन फॉर्म भी आता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए करेक्शन फॉर्म 100% आता है। तो अगर आप किसी और कोर्स से बिलोंग करते हैं और आपके कोर्स का एग्जामिनेशन फॉर्म का करेक्शन अभी नहीं आया है, तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म का जो करेक्शन फॉर्म होता है वो 100% आता है, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो सकता है पर आता है, ठीक है, तो आपको वेट कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर जो करेक्शन फॉर्म आया है UG फर्स्ट सेमेस्टर का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो दूसरा वाला बॉक्स है कोर्स, यहाँ से आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर वाला ऑप्शन है रेगुलर का, ये आपको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर UG का जो एग्जामिनेशन फॉर्म आया था वो रेगुलर वालों का ही आया था। तो यहाँ पर बेसिकली आपको रेगुलर रहने देना है। अगर आप प्राइवेट से होंगे तब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे अपना जो भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके बाद दिखा देता हूँ, अगर आप प्राइवेट से होंगे तो आप प्राइवेट सिलेक्ट करेंगे। पर यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये है कि अभी प्राइवेट का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया, तो सिंपली हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आपको रेगुलर ही रहने देना है। उसके बाद जो दूसरा बॉक्स है इसमें आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिंपली 4 कोर्स मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ से आप अपना कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर तीसरा वाला बॉक्स है, ठीक है, तीसरे वाले बॉक्स में आपको अपना फॉर्म नंबर एंटर करना है, जो कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फॉर्म नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद जो चौथा बॉक्स है, ठीक है, इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फॉर्म आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा, और वहाँ से जो भी आप एडिट करना चाहते हैं, जो भी आपने मिस्टेक की हुई है, सारी चीज़ें आप एडिट करके सही कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से सही करेंगे, उसके बाद फाइनल कॉपी लेंगे। फाइनल कॉपी लेने के बाद आपको अपने यूनिवर्सिटी में ले जाकर जमा कर देना है। अगर आपको बाय द वे अगर आप मिस्टेक से एग्जामिनेशन फॉर्म का यहाँ पर PDF नहीं ले पाते हैं, तो उसका भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख के उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।